नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। 8 माह से न्याय के लिए भटक रही युवती, भाई ने की छेड़छाड़ लेकिन सुन नहीं रहा कोई गुहार। सीधी के मड़वास पुलिस चौकी में एक भाई द्वारा अपनी ही बहन के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित युवती पिछले 8 महीने से चौकी के चक्कर काट रही है लेकिन अब तक सुनवाई उसकी नहीं हुई है। सीधी मड़वास पुलिस चौकी में पिछले 8 महीने से छेड़छाड़ का शिकार हुई एक युवती भटक रही है लेकिन इस युवती की सुनवाई अब तक नहीं हो पाई है। युवती ने छेड़छाड़ के आरोप अपने ही बड़े पिता के बेटे पर लगाए हैं। वहीं इस मामले में एएसपी अंजुलता पटले का कहना है कि जांच जारी है, जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। मड़वास पुलिस चौकी इलाके में रहने वाली एक 19 साल की युवती छेड़छाड़ के आरोपी पर कार्यवाही के लिए पिछले 8 महीने से भटक रही है। पीड़ित युवती के मुताबिक जनवरी महीने में अरहर के खेत पर जब वह सौंच के लिए गई हुई थी तभी एक युवक ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी। जब वह अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हुआ तो उसने मारपीट शुरू कर दी। युवती के सर पर भी चोट लगी। तुरंत पुलिस चौकी मड़वास में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। युवती को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की जा चुकी है। पीड़ित युवती ने बताया कि इतने माह बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो उसने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर दी, जिसके बाद अब चौकी के पुलिस अफसरों का कहना है कि जाओ तुम्हारी शिकायत अब सीएम ही सुनेंगे, जिसके बाद युवती न्याय के लिए चौकी के चक्कर काट रही है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। आरोपी ललोहर कुशवाहा के द्वारा मैं खेत में शौच के लिए गई थी सर। वहीं पास में मेरे साथ जिस खेत में घटना घटी है वो नदी किनारे स्थित है, वहाँ उस खेत में अरहर की फसल लगी थी सर। और मैं घटना चौकी प्रभारी यहाँ मड़वास चौकी में आवेदन लिखित में प्रस्तुत की हूँ, 181 में कंप्लेंट की हूँ, जिसके द्वारा पुलिस द्वारा बोला जा रहा है कि तुम अपनी शिकायतें 181 से ही करवाओ। मैं नहीं करूँगी, जबकि मैं एसपी ऑफिस में भी आवेदन प्रस्तुत की हूँ 1 जनवरी को और 30/8 को भी, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या चाहते हैं आप? सर मैं कार्रवाई चाहती हूँ। मड़वास और मझौली और मड़वास से मुझे धमकी दी जा रही है। राजन सर ने रोक करके रखा जी सर। क्या बोलती है? बोलती है कि मैं कार्रवाई नहीं करूंगी जब तक तुम अपना कथन नहीं बदल दोगे। नहीं, तुम्हारे किस प्रकार का बदलना देना चाहती है? बोलती है कि तुम मारपीट का जो तुम्हारे साथ घटना घटी है ना, वो तुम कथन मत दो, दूसरा कथन दो, बदल दो। तो क्या लगता है कि आरोपी से पुलिस मिली हुई है? जी सर मुझे लगता है, और राजन सर के माध्यम से मिली हुई है। क्या नाम है? अभी फरियादियाँ मेरे समक्ष आई थी, उसको मैंने सुना है। और ये जो आरोप लगा रही है अपने सगे बड़े पिताजी के पुत्र पर आरोप लगा रही हैं, और पूर्व में से इनके मध्य में जमीन संबंधित विवाद भी चल रहा है, क्योंकि मुद्दा पारिवारिक मुद्दे को नजर था कि परिवार का मामला है, इसलिए इसको जो है चौकी प्रभारी मड़वास को जो है विस्तृत जाँच करने हेतु निर्देशित किया।